हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मारुति सुजुकी की अल्टो 800 है। गाड़ी चालू है अभी, 2014 का मॉडल है, सीएनजी प्लस पेट्रोल है और हमने एसी चालू रखा है। और कूलिंग टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं 5.3 डिग्री, 5.1 पे आ चुका है अभी। गाड़ी छोटी है लेकिन कूलिंग मस्त हो रही है और इसका ब्लोअर का स्विच प्रॉपर काम कर रहा है। आउटसाइड एयर एयर डायरेक्शन मोड प्रॉपर चल रहा है। एसी का स्विच प्रॉपर चल रहा है, लाइट ग्लो कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। और ये रही आउटसाइड एयर, प्रॉपर चल रहा है। आउटसाइड एयर आपको कब यूज करने का रहता है? जब आप एसी चालू करते हैं तभी आपको ये यूज करने का रहता है, नहीं तो अगर आप हीटर वगैरह या फिर सिर्फ ब्लोअर की हवा चाहते हैं तो आप इसको इधर रख करके ब्लोअर की हवा ले सकते हैं। अगर एसी में भी आप काफी टाइम अगर इसको चालू रखें एसी, और आपकी गाड़ी चिल्ड हो चुकी है और चिल्ड होने के बाद आपको जैसा घुटन जैसा महसूस होने लगा है, तो थोड़ी देर के लिए आप इसको आउटसाइड का एयर चालू कर सकते हैं और आउटसाइड की एयर ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप इसको बंद कर दें, क्योंकि ये अगर आप चालू रखेंगे ना तो बाहर से जो हवा आती है ना वो हवा में गर्माहट रहती है। जैसा कि आप अंदर एसी चालू करते हैं तो आपका अंदर का कैबिन का टेम्परेचर जो लो हो जाता है, लो होने के बाद बाहर का क्लाइमेट से अंदर का क्लाइमेट जैसे 20-22 पे आ जाता है और बाहर का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो वही हवा फिर आपके इसमें अंदर कैबिन में मिक्स होगा तो कूलिंग की कैपेसिटी कम हो जाएगी। यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है। और ये रही हीटर का, हीटर मैं हाई पे कर रहा हूँ, हीटिंग टेम्परेचर देखते हैं बढ़ रहा है क्या नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए वीडियो होल्ड करता हूँ, देखता हूँ हीटिंग टेम्परेचर कितना तक जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 54 तक आ चुका है, यानी हीटिंग टेम्परेचर भी अच्छा है इसका, मस्त है, सभी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है। तो हेलो दोस्तों, आप अगर मल्टीपल कार से अगर इंटरेस्टेड हो, एयर कंडीशन सिस्टम्स के बारे में आप अगर जानना चाहते हो या फिर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो मेरे चैनल को लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज।